अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है श्याम जान भट्ट, और इन लेक्चर्स की जो स्लाइड्स हैं उसके लिए आप मेरे नंबर पे भी रابطہ कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर के लिए भी रابطہ कर सकते हैं। जो लोग हमारे ग्रुप्स में हैं उनको तो ऑलरेडी ये शेयर हो जाएंगे। ये तमाम लेक्चर्स जो हैं, जो अभी फ्री सीरीज के हैं, आज अगर लेक्चर ख़त्म हो गया सारा तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे को आखिरी फिर फ्री क्लास होगी। अगर आज ख़त्म हो गया तो अच्छी बात। तो ये सारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बाय फ्राइडे 27 अगस्त ये यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर, पहला लेक्चर हमने इस फ्री लेक्चर सीरीज का लिया था जी साउथ एशियन पॉलिसी पे, यूनाइटेड स्टेट्स की। ये भी यूट्यूब पे अपलोड जो है वो हो जाएगा। इसके बाद हमने दूसरा लेक्चर लिया था एशिया पैसिफिक का, और एशिया पैसिफिक के साथ ही हमने आधा लेक्चर किया था वॉर ऑन टेरर पे। आज के तीसरे लेक्चर में हम वॉर ऑन टेरर को कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ फिर मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन्स की पॉलिसीज इन 21st सेंचुरी, इस पे बात करेंगे। मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो तो फॉरेन अफेयर मैगजीन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सोर्स है। क्यों सोर्स है? वैसे तो फॉरेन अफेयर मैगजीन थ्रू आउट जो है वो 20th सेंचुरी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक टूल रहा है, लेकिन 21st सेंचुरी में खास तौर पर फॉरेन अफेयर मैगजीन एक क्रिटिक के तौर पर भी सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह हमने पहले लेक्चर में बात की थी, उसको जरूर देखिएगा, उसका इंट्रोडक्शन, कि किस तरह अमेरिका के जो अब थिंकर्स या स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिक करते हुए भी नजर आते हैं, तो वो इसके लिए बेस्ट जो है वो सोर्स है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर, खास तौर पर 2015 से लेके ऑनवर्ड्स के जो स्पेसिफिक मिडिल ईस्ट से रिलेटेड एडिशंस, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। वॉर ऑन टेरर को पहले खत्म कर लेते हैं जी, और हम बात आ गए थे ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन तक, कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में हमें फिर वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में क्या सीनियर फीचर्स हम डेवलप कर सकते हैं। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में पहली चीज तो अलायंसेस का जो फैक्टर है वो, उसकी टू फोल्ड हमें मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं। ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट के तौर पे आए हैं कि जिनके पास पब्लिक ऑफिस का एक्सपीरियंस नहीं था, तो लार्जली अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से ये डिसएसोसिएट होते नजर आते हैं, एंड नंबर ऑफ फॉरेन पॉलिसीज ड्यूरिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से डिसएसोसिएट होते नजर आते हैं। और यही चीज हमें इनकी साउथ एशिया से रिलेटेड स्टेटमेंट्स में, और यही चीज इनकी फिर वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में भी नजर आती है। अलायंसेस के कॉन्टेक्स्ट में हमें पार्शियल एक्सटेंशन तो नजर आती है, दैट के अलायंसेस इंडिस्पेंसिबल हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए अक्रॉस द ग्लोब, एंड सेम अप्लाइज टू वॉर ऑन टेरर भी। हाउएवर अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूनिलैटरल डिसीजंस भी हमें नजर आते हैं कि अलायंसेस को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और यूनिलैटरल डिसीजंस लिए गए हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल फरवरी 2020 का तालिबान के साथ एग्रीमेंट। ये हमें इसकी बड़ी मैनिफेस्टेशन जो नजर आती है। एज फार एज ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन, जो लास्ट भी हमने पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा इन्हीं फीचर्स में डिवाइड किया था, या कोवर्ट ऑपरेशन। सो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट्स, जिस हमने बात की थी लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में, ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट्स हमें नजर आते। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइज इन्वेजन है, या ऐसा नहीं है कि कोई फोकस किया कि हम सिर्फ कोवर्ट ऑपरेशन ही करेंगे, लेकिन ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट कैसे है? क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्टोरल कंपेन में भी विड्रॉल को फोकस कर रही, और काफी ज्यादा फोकस कर रही, बट साइमल्टेनियसली मोर ट्रूप्स की स्टेटमेंट्स और स्पीचेस भी हमें मिलती हैं। फॉर इंस्टेंस, इमीडिएटली आफ्टर जो अगस्त 2017 की स्पीच है, जिससे पहले अगर आप न्यूज़पेपर्स उठा के देखें जुलाई अगस्त 2017 तक के, तो टेंटेटिव जो फिगर है अमेरिकन फौजियों की
वो 8 से 14 हजार तक बताई जाती है, यानी कुछ सोर्सेज में 8 हजार, कुछ सोर्सेज में अप टू 14,000। तो घबराने की बात नहीं है, इतना फर्क क्यों है। फर्क ये है कि जो प्रॉपर अमेरिकन सोल्जर्स हैं और ओवरऑल अमेरिकन कंट्रेक्टर्स, टेक्नीशियंस और फिर प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मिला के, तो ये लगभग 14,000 तक, यानी रिड्यूस हो गई। जब हम मिड 2013 में देखते हैं तो ये 70,000 तक थी, तो ये हाफ हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल। तो विड्रॉल तो बहुत पहले सेट हो चुका हुआ था, लेकिन अब अगस्त 2017 में जहां हमें टेंटेटिव नजर आता है 8 से 14 हजार, ट्रंप अपनी इलेक्टोरल कंपेन में भी विड्रॉल का जिक्र कर चुके, लेकिन इस स्पीच में जिसमें पाकिस्तान को भी डू मोर का कहा गया, इंडिया को भी इन्वाइट किया गया, रेडी, इस स्पीच में ही ट्रंप जो ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट की हम बात कर रहे हैं कि इफ कमांडर्स, यूएस कमांडर्स चाहें तो हम मजीद ट्रुप्स अफगानिस्तान में भेज सकते हैं, और भेजे भी गए हैं, ठीक है, अप टू 2,500 ट्रुप्स भेजे भी गए अगस्त 2017 के बाद। सही है, तो ये शो करता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट थी। इट वाज नॉट अंटिल मिड ऑफ 2018 व्हेन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड कि हमें विड्रॉल करना है। तो ये जो पहला 1.5 ईयर है ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो मुकम्मल ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट्स के कॉन्टेक्स्ट में, और 2018 मिड ऑफ 2018 के बाद से फिर ये डायलॉग और नेगोशिएशंस, बट इन डायलॉग्स और नेगोशिएशंस की फिर लेजिटिमेसी फ़रवरी 2020 का डॉक्यूमेंट अपनी जात में, वो एक डॉक्यूमेंट, एक उसकी लेजिटिमेसी जो है वो मुश्किल है इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करना, बिकॉज आप 2001 से लेके 2020 तक एक ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप शुमार कर चुके, उसको एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर पोर्ट्रे अक्रॉस द ग्लोब भी कर चुके, स्टेट डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पे तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप शो कर चुकी, सही जी। गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान जो एक स्टेक होल्डर है, वो फ़रवरी 2020 के एग्रीमेंट का सिग्नेटरी नहीं। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें तो वो डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का डॉक्यूमेंट विद तालिबान, ठीक है जी, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, राइट। सो वो एक ऐसे पॉलिटिकल एंटिटी के साथ एग्रीमेंट है कि जो गवर्नमेंट में भी नहीं, और जो अफगानिस्तान एज अ रिपब्लिक का जो नॉमन क्लेचर है वो भी बदला हुआ उसके, उस एग्रीमेंट के, और उसी एग्रीमेंट का फिर एक पार्ट है कि जनाब इंट्रा अफगान डायलॉग वो भी होगा। ये इंट्रा अफगान डायलॉग कभी सही मायने में हो ही नहीं सका, क्योंकि इस इंट्रा अफगान डायलॉग में गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान ने भी होना था, और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान 2020 के फरवरी 2020 के एग्रीमेंट का सिग्नेटरी नहीं। सो रिजल्टेंटली ये इसकी जो लिजिटमेसी है और ये जो ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट है वो तो वाजह तौर पे नजर आता है। यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इट इज नॉट मेयरली अबाउट कि हमारी स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइज इन्वेजन की होगी या कोवर्ट की होगी, स्ट्रेटजी एग्जिट की होगी, लेकिन उसके लिए भी इनिशियली, उससे पहले मिड 18 से पहले पहले भी ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट, और उसके बाद तो ये बहुत बड़ा इस डॉक्यूमेंट की लिजिटमेसी प्रॉब्लमेटिक, सही है जी। तो ये तो बड़े एस्पेक्ट्स हो गए, क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मेयरली, क्योंकि ज्यादातर जब हम वॉर ऑन टेरर को देखते हैं तो हम कन्फाइंड हो जाते हैं अफगानिस्तान के साथ, ऐसा नहीं, वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में फिर अमेरिकन रोल या कंट्रीब्यूशन इन मिडिल ईस्ट भी, जिसको मैं अभी इस टॉपिक का हिस्सा नहीं बना रहा, अगला टॉपिक जो हमारा मिडिल ईस्ट वाला है उसमें ये साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, यानी कि वॉर ऑन टेरर का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, उसमें जो रोल अमेरिकन मिडिल ईस्ट में प्ले करते हैं वो भी साथ कुछ एस्पेक्ट्स वहां से भी आएंगे। इम्पैक्ट देख लेते हैं जी इसका, जरा वॉर ऑन टेरर का इसका इम्पैक्ट जो देख लेते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट में देखें तो बाय 2020 जो अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो बताते हैं जनाब के 6.4 ट्रिलियन US डॉलर्स जो है वो हमारा खर्चा हुआ है ओवरऑल वॉर ऑन टेरर, ओवरऑल 6.4 ट्रिलियन
ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है, लेकिन जो आपको रिसर्च जर्नल्स के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है वो अप टू 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक की डाटा भी हमें मिलता है कि अप टू 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर की आपको खर्चा हुआ। सही है? अब इसमें जो प्रॉपर वॉर एक्सपेंडिचर है वो आपको हैरानी होगी कि टोटल वॉर एक्सपेंडिचर जो सेनेट ने वॉर के लिए अप्रूव किए, इसमें जनाब हथियार भी हो गए, फौजी भी हो गए, प्रॉपर वॉर के अखराजात है, वो तो सिर्फ 2.26 ट्रिलियन डॉलर। सही, ये बाकी पैसा कहाँ गया? ये बाकी पैसा रिकंस्ट्रक्शन भी करनी है आपने लाखों, ठीक है, आपने मिलिट्री ट्रेनिंग भी करनी, चाहे वो इराक में की चाहे वो अफगानिस्तान में की, समझ आ रही है जी? फिर आपके जो वोंडेड सोल्जर्स हैं उनके लिए पैकेजेस दिए आपने, सही। अब यानी ये सारे ये वॉर के एक्सपेंडिचर्स प्रॉपर वॉर एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में उस वॉर ऑन टेरर के ये भी कंपोनेंट्स हैं। इसमें आपने मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड किए कंट्रीज को, अलाइज को, सही। सो जो आपकी वॉर है उसकी कॉस्ट कम है, जो उसके साथ जुड़ी बाकी पेरिफेरियल कॉस्ट हैं वो ज्यादा है। सही, अब मतलब कहने का ये कम नहीं है, लेकिन इस अमाउंट का तो कम है, इस अमाउंट का तो ये तीसरा हिस्सा भी नहीं बनता, या तीसरा हिस्सा समझ लें आप इस तरह। सही, सो एक तो ये इकोनॉमिक कॉस्ट जो है इस वॉर की वो आपकी प्रीवियस वॉर्स के निस्बत वो बड़ी अजीब स्टडी है। टेक द एग्जांपल ऑफ वियतनाम वॉर, वियतनाम वॉर की स्टडीज वो साबित करती हैं कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा, पेरिफेरियल एक्सपेंडिचर्स कम है, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में क्यों? क्योंकि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, हम डेमोक्रेसी प्रमोट करेंगे, हम जनाब ट्रेड बनाएंगे, हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करेंगे, तो वो सारा खर्चा भी वो इसी में इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो। सही है जी? तो एक तो ये एक बहुत बड़ा, अब इसको जो क्रिटिक करते हैं वो कहते हैं जनाब कि ये पैसा फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये फ्रॉडलेंट एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन कंट्रैक्टर्स भी, और एज वेल एज अपने अलाइज को जो आपने पैसा दिया है उन्होंने भी उसका इफेक्टिव इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये फ्रॉडलेंट जो है वो एक्सपेंडिचर्स हैं, फेक एक्सपेंडिचर्स हैं, पैसा निकला है, पैसा लगा है, लेकिन वो करप्शन की नजर हुआ है लार्जली। और ये केस स्टडी तो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि अफगान लीडरशिप ने बहुत पैसा ऐसे ही फ्रॉडलेंट एक्सपेंडिचर्स में बनाया। सही, सो एक तो ये एक बहुत बड़ा इस पर क्वेश्चन मार्क है इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट। इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट उतनी नहीं है जितनी नजर आती, क्यों? क्योंकि 2.26, और ये ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप अगर गूगल कर लें कॉस्ट ऑफ वॉर ऑन टेरर, अमेरिकन कॉस्ट ऑफ वॉर ऑन टेरर, तो पहला लिंक ही आपको जो है वो देगा, वो जो रिपोर्ट देगा वो 2.26 डॉलर की देगा, 2020 की रिपोर्ट, ठीक है जी? तो क्लियरली जो ये शको शुबा उठा देता है, ये अमेरिकन जो है वो सही मायनों में इसको टैकल ही नहीं कर सकते। आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए था इतनी प्रोलॉन्ग्ड वॉर का, ना कि उसके पेरिफेरियल एक्सपेंडिचर। सही है जी, समझ आती है जी? अब इसके बाद इसकी अदर दूसरी आस्पेक्ट में भी आ जाते हैं, दूसरे आस्पेक्ट में आ जाए जनाब, तो सबसे बड़ा आस्पेक्ट जो आपने जिस इंटेंशन के साथ गए थे, काउंटरिंग टेररिज्म, ऐसा ही टेररिज्म को काउंटर कर, नो डाउट आपने रिजीम्स चेंज कर दी, आपने इराक में रिजीम चेंज कर दिया, अपना अफगानिस्तान में रिजीम चेंज कर दी, कर दी रिजीम चेंज, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऐसे ही लिखना है, हेडर्स देना है, फैक्ट बताने हैं, फैक्ट्स को क्रिटिक करना है। ये जो एक तरीका होता है ना कि क्रिटिकल एनालिसिस अलहदा से हेडर दे के कि जी ये एग्जामिनर को बड़ा पसंद आता है, तो इसमें आप पर कोई वही नहीं उतरनी है, ये आपने इन्हीं हेडर्स में ही इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। ये अलहदा से हेडर देंगे तो एग्जामिनर पसंद करेगा, वो इस तरह ही होता है कि आप फिर इकोनॉमिक कॉस्ट के हेडर में बजाय ये जो साथ एनालिसिस कर रहे हैं वो ना करें, आप सिर्फ यहाँ पर दें फैक्ट्स, बस 3-4-5 लाइनों में फैक्ट्स दे दिए, फिर आपका अगला हेडर आ गया, 3-4-5 लाइनों में फैक्ट्स दे दिए, आर्गुमेंट ना चलाएं, और वो फिर आप क्रिटिकल एनालिसिस का हेडर देके उन्हीं को दोबारा उन पर, तो लेकिन वो एक पढ़ते हुए मजा नहीं आता है, अधूरी आपका एग्जामिनर किसी मूड में भी हो
वो एक चीज को पढ़ ले, वो उसी को गेज करके देख ले कि यार इसने फैक्ट लिख दिए, एनालाइज तो किया नहीं, अपना आर्गुमेंट तो बताया नहीं कि ये क्या समझता है या इसने कहाँ से क्या क्या पढ़ा है। जाहिर पढ़ के ही या किसी टीचर से सुन के ही आपने लिखना है, आपने जाहिर है कोई तीसरा सोर्स तो कोई नहीं है आपके पास, या आपने डायरेक्ट जाके एक्सपीरियंस कर लिया या जो आपने पढ़ा होगा या किसी टीचर ने बताया होगा उसी को आपने इनकॉर्पोरेट करना है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप जो भी इम्पैक्ट्स पे, लेट्स से आपको सवाल आ जाता है, कॉन्सिक्वेंसिस पे आ जाता है, इसके नुकसान पे आ जाता है, जितना भी सवाल आ जाता है वॉलंटियर पे, तो आप उसको फिर कहेंगे डिबेटिंग इकोनॉमिक कॉस्ट, फैक्ट बताया और साथ ही फिर उसको एनालिसिस भी किया कि इस तरह होता नहीं है जी, बड़ी बड़ी जंगों का हवाला देख ले आप। फिर उसके बाद जो फ्रॉडलेंट एक्सपेंडिचर था उसका इशू था, सही। तो ये ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी है कि जिसमें आप उसको एक ही हेडर में एक ऑल एनकम्पासिंग आर्गुमेंट, एक जिस तरह ऐसे में एक पूरा एक पैराग्राफ आप लिख जिसमें सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो ये ज्यादा बेहतर स्टाइल है बनिस्बत इसके कि आप फैक्ट देखे और अलहदा से फिर क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ जो है वो मूव करें, एक आपकी अपने कलम की और अपने सोच में भी एक चीज जो है वो चल रही है कि वो उसी को आप पूरा करें, ये ज्यादा बेहतर जो है वो तरीका है। अच्छा जी, काउंटरिंग टेररिज्म की आपकी सोच थी, आपने नो डाउट इराक में रिजीम चेंज की, ठीक है जी, नो डाउट आपने अफगानिस्तान में रिजीम चेंज की, वॉर ऑन टेरर का ये भी तो पार्ट था ना, रिजीम चेंज करना। अब टेररिज्म को एड्रेस करना, सो द पॉइंट इज कि 2011 में जो फिनोमेना था इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म, ये फिनोमेना 2001 में इसका स्केल लो था, आउट ऑफ ऑल टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म में फॉल करती है वो 0.2% थी टिल 9/11। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म ये है कि इशू हमारा इस टेरिटरी का, सही जी, इसी टेरिटरी में ही को वायलेंट एक्टिविटीज हो जाए, ओके फाइन, लेकिन इशू यहाँ का और इसका ब्लो बैक किसी और टेरिटरी में हो जाए, सही जी। 1970 से ग्लोब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म, म्यूनिख में अटैक हुआ जो है वो पैलेस्टीनियंस ने अटैक किया, वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली ये डेवलप हुआ। हमारे यहाँ की केस में जब कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को कोई टेररिस्ट कहता है तो उसका बेस्ट आंसर उसके जवाब में ये है कि जनाब कश्मीर की स्ट्रगल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म उस पर अप्लाई नहीं हुआ, अगर ये टेररिस्ट होते तो ये भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म की वेव का शिकार होते और मुख्तलिफ दुनिया में इंडिया की एम्बेसीज या इंडिया के एम्बेसडर्स को ये या इंडियन पॉपुलेशन को टारगेट करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये उस वेव का शिकार नहीं हुए, रिजल्टेंटली कश्मीर का की जो स्ट्रगल है उसको आप टेररिज्म के साथ ताबीर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म की करते हैं, जो ग्लोबल परस्पेक्टिव है टेररिज्म का, उसके लिए पास पेपर में आईआर में इतना सवाल भी आया हुआ ग्लोबल परस्पेक्टिव ऑफ टेररिज्म। खैर, सो ये तो सिर्फ 0.2% था 9/11 के टाइम तक, सही है, 9/11 के बाद ठीक है स्केल वो इवेंट बढ़ा है, लेकिन 2001 से ऑनवर्ड्स 2016 तक जब पेरिस में भी और अनकरा में भी जो है वो अटैक्स होना शुरू हो, तो ये स्केल बढ़ गया, पूरा ग्लोब इससे इफेक्ट हो गया, इशू अमेरिकन का है विद अलकायदा है, ऐसा ही है जी, जो बड़ा बड़ी डेवलपमेंट। तालिबान का इशू तो नहीं था, तालिबान मिसकैलकुलेट करके अलकायदा की इंटेंशंस को, तालिबान अमेरिकन स्ट्रेंथ को मिसकैलकुलेट कर, सो इशू तो किसी कोई किसी स्टेट एक्टर का तो था ही नहीं, तो क्या आप टेररिज्म को रोक सके, आप टेररिज्म को रोक नहीं पाए, अलकायदा के यमन चैप्टर, इराक चैप्टर, सीरिया चैप्टर, पाकिस्तान चैप्टर, ये बहुत से विंग्स अलकायदा के रियल सेंस में 2001 के बाद ऑपरेट होना शुरू हुए, जो 2001 से पहले जो ऑपरेटिव लार्जली नहीं थे। इस काउंटर टेररिज्म के हेडर को मजीद समझने के लिए इंटरनल जो फंक्शनिंग है अलकायदा की उसको समझना बहुत जरूरी है, ये अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखना चाहें आप लिख लें अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज है, लेकिन अलकायदा का इंटरनल स्ट्रक्चर जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप काउंटरिंग टेररिज्म का फिनोमिना नहीं देख सकते। दुनिया की बेस्ट सर्वेलेंस मशीनरी, बेस्ट जो है वो एक कॉम्बैट स्ट्रेटजी रखने वाला कंट्री और टेक्नोलॉजी भी बड़ी बेहतरीन, लेकिन आप काउंटर टेररिज्म को इफेक्टिव यानी टेररिज्म खत्म नहीं कर सकते,
अपने ओपोनेंट को ऑल टुगेदर आप जो है वो पैरिश नहीं कर सके। लार्जली आपका ओपोनेंट टेररिज्म को इंटरनेशनलाइज कर गया और बढ़ा गया, स्पेन में हमले, लंदन में हमले, बाकी जगहों पर, और फिर यहां तक नहीं कन्फाइंड रहा ना, दूसरी तरफ आईएसआईएस भी आ गया। लेकिन स्पेसिफिकली पहले अलकायदा की इंटरनल वर्किंग याद रहे, अलकायदा आपके किसी भी लश्करे जंगवी या किसी भी वायलेंट ग्रुप की तरह ऑपरेट नहीं करती, नीदर आयदा अलकायदा आईएस की तरह ऑपरेट करती। सही है जी, अलकायदा आम जुबान में अगर हम बात कर लें तो एक बड़ी ठंडी ऑर्गेनाइजेशन है। अलकायदा का मेंबर कोई ट्रेंड फाइटर के जिसने पहाड़ियों में जाके ट्रेनिंग ली हो, ऐसे नहीं होते लार्जली। अलकायदा के मेंबर किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता, कोई स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाला हो सकता। समझ आ रही है? ये मुख्तलिफ फील्ड्स की एक्सपर्टीज के लोग, ये खास लिमिटेड टाइम की इनकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर ये डिस्पर्स हो जाते हैं और अपने अपने जगहों पर जिस तरह पहले काम कर रहे हैं वैसे काम कर रहे होते हैं। इनमें से जो बेटर वेल ऑफ होते हैं वो डोनेट भी कर रहे होते हैं, वो डोनेशन देने वाले ही हमने कराची से कई पकड़े। आफिया सदीकी के केस में भी वो ऐसे डोनेशन देने वालों के साथ ही कनेक्शन में थी कि जिनको पकड़ा गया। हाँ, उनको जो केस चला वो झूठा था, क्योंकि जो एक्टिविटीज थी उनको अमेरिकन कोर्ट्स में प्रूव करना इनसफिशिएंट था, तो एक झूठा केस बनाया कि अमेरिकन सोल्जर से इस बंदूक लेके उसी पे गोली चला दी, उसके केस में उनको सजा हुई। सही है? सो अलकायदा बड़ी ठंडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई फेरोशियस माइंड की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि बस जिहादी लिए और उनको बंदूक पकड़ाई और जनाब मैदान जंग में भेज दिया, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। सही? सो आईएसआईएस को टैकल करना इजी रहा, वायलेंस हुई, डिस्टर्बेंसेस बहुत हुई, लेकिन आईएसआईएस को फेड अवे करना, डिस्पोज करना वो इजी रहा। ये यूज ऑफ फोर्स पे बिलीव करते थे, आपने इनको यूज ऑफ फोर्स के जरिए ही टारगेट किया। सही? अलकायदा एज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये यूज ऑफ फोर्स को एक कॉन्टिन्यूटी के साथ इस्तेमाल नहीं करती है कि आप सुने जी कि अलकायदा के मेंबर्स फलानी जगह इकट्ठे हैं, उन्होंने किसी जगह जंगी झड़प करके किसी चौकी पे हमला कर दिया, कि ये कर दिया, वो कर दिया। ये प्लैंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लैंड एक्टिविटी करते या करते रहे। समझ आ रही जी? सो ऐसे ग्रुप को फिर काउंटर टेररिज्म के जरिए एड्रेस करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, ता वक्त है कि आप इसके हेड को ही टारगेट ना करना। ये बात समझ आ रही जी? सो ये बात 9/11 कमीशन रिपोर्ट में भी लिखी हुई, ठीक है जी। यही चीज जो पाकिस्तान में एक सहाफी जो लापता हो गए, फिर गाड़ी में उनकी लाश मिली थी, सलीम शहजाद, उन्होंने भी अलकायदा पे काफी इनडेप्थ वर्किंग की थी, उनकी किताब में भी इनसाइड अलकायदा बियॉन्ड ओसामा बिन लादेन, उसमें भी मेंशन है। ये चीज कई लोगों ने बाद में फिर अलकायदा की वर्किंग पे कि भाई ये हो क्या रहा है, कि ये तो हम करने गए थे टेररिज्म को खत्म और ये तो बहुत सारे चैप्टर्स ओपन हो गए अलकायदा, अब हर जगह पे आप ड्रोन स्ट्राइक्स की देखें, 8 से 11 की ड्रोन स्ट्राइक्स, तो सिर्फ इराक या सीरिया या इराक या सिर्फ सॉरी इराक और अफगानिस्तान में तो नहीं, तो यमन में भी हो रहे हैं, सूडान में भी हो रहे हैं, तो कहां कहां नहीं हो रहे। सो इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर टेररिज्म के जरिए वंस फॉर ऑल एड्रेस करना, ये एक बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क रहा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। सही? और नहीं कर पाए फॉर द टाइम बीइंग अलकायदा आफ्टर उसामा बिन लादेन, उसकी एक्टिविटीज कम हुई, बट इन 2014 अलकायदा ज्वाइन हैंड्स विद आईएसआईएस इन सीरिया। हाउएवर विद इन 6 मंथ्स इन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया फ्रॉम आईएसआईएस, कि नहीं हम आपकी तरह बारबेरिक और फिरोशियस जो है वो टेंडेंसी नहीं रखते। अलकायदा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई पॉलिटिकल गोल है ही नहीं, ये कोई खिलाफत नहीं चाहते, ठीक है, ये कोई शरिया नहीं चाहते। सही जी? ये इंटरनेशनल जस्टिस की डिमांड करते, ये डिमांड करते हैं कि जनाब मुस्लिम
लैंड से अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन कैंप्स, अमेरिकन बेसिस खत्म हो जाए। समझ आ रही है? ये अमेरिकन इस्तेमारियत का खात्मा चाहते हैं। सही, ये क्लियर होती है। और इसकी जो स्ट्रेटजी है, जो इनिशियल स्ट्रेटजी डेवलप हुई, वो हुई कि अमेरिकन को इंगेज करो मुख्तलिफ रीजन अक्रॉस द ग्लोब, ताकि इनकी इकोनॉमी पर वो एक्सपेंड, यानी कि वो बर्डन डेवलप हो। और उसमें काफी हद तक ये कामयाब हुए। अफगानिस्तान में एंगेज किया, सही। इराक की केस में अब तो रिवील हो गया हुआ कि फेक रिपोर्टिंग और फेक इंटेलिजेंस, खुद बंदे पकड़वाते थे और बंदे इनके खुद स्टेटमेंट्स देते थे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, इराक में। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कन्विंस कर गया पूरी अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी को कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। सेम अप्लाइज इन सीरिया 2013 के अगर आप अखबार उठा के देख लें, सीरिया मिड ऑफ 2013 तो केमिकल वेपन्स के अटैक हुए सीरिया, और अमेरिकन ने कहा जी कि सीरिया ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हम सीरिया में इन्वेड करने लगे। तो रशियन सामने आए, रशियन ने इनको समझाया कि इंसान बनो। यूएन की इंडिपेंडेंट जनाब रिपोर्ट सामने आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, जिससे ये साबित हुआ उस रिपोर्ट से कि ये ना तो सीरियन आर्मी ने केमिकल वेपन इस्तेमाल किए हैं, ना फ्री सीरियन आर्मी यानी कि जो बागी हैं उन्होंने इस्तेमाल किए, ये तो किसी थर्ड पार्टी ने इस्तेमाल किए। और वो बाद में साबित हुआ कि वो थर्ड पार्टी अलकायदा है। तो वो जो इनकी स्ट्रेटजी थी टू एंगेज अमेरिकन मोर एंड मोर अक्रॉस द ग्लोब, ताकि उन पर फाइनेंशियल बर्डन एंकर कर सके। सो अलकायदा की स्ट्रेटजी और उसकी वर्किंग, यानी आप 9/11 के टाइम पर जो 21 लोग हैं, इनमें इन 21 लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है कि जो किसी जहादी एक्टिविटी में बंदूक उठा के जिसने जाके कोई जहाद किया हो। सही है जी, ये बात समझ आ रही है। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो जॉर्डन से इकट्ठे किए आपने, जो आपने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से किया, लीड इनको इजिप्ट से अता मोहम्मद ने किया, सही, पैलेस्टीनियन एक दो थे। इन सारे लोग, ये इतने पढ़े लिखे लोग, इनमें से 4 या 5 ये हैमबर्ग में एरोनॉटिकल डिप्लोमा किया इन्होंने कि बोइंग जहाज उड़ाने कैसे, समझ आ रही है। और उसके बाद अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी करके अपने अपने घरों में है, फाइनेंसिस आए, प्लान बना, ओके जी शुरू कर। सो अलकायदा तो एक बहुत ज्यादा, इसी वजह से फिरोशियस माइंड आईएसआईएस का कुछ अरसे के लिए आईएसआईएस के साथ जुड़े, इनका जो सीरियन चैप्टर था उसके बाद इन्होंने डिसोसिएट कर लिया, हमारा तो ये रास्ते को नहीं, हम इस ए, 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 इन चीजों पर बिलीव नहीं करते। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप खत्म करने जा रहे हैं, ये नहीं हो सका। ठीक है, ओसामा को आपने टारगेट कर दिया, लेकिन वो नीचे जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तो अभी भी लूज फॉर्म में ऑपरेट कर रहा है, ठंडे होके, ठंडे हैं, पहले ही ठंडे हैं वो, और ठंडे होके बैठ गए हैं, जब मौका मिलेगा वो दोबारा रिटेलिएट करेंगे। और मेंबर्स इनके इसी तरह ही हैं, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाला हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, समझ आ रही है जी, कोई साफी भी हो सकता है। ये क्लियर है जी बात। सो आप तो गए थे काउंटर टेररिज्म करने, आपने करवा दिया इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म, सही है जी। अब पूरा ग्लोब वल्नरेबल हो गया, पहले सिर्फ आप वल्नरेबल थे यानी यूनाइटेड स्टेट्स, अब पूरा ग्लोब वल्नरेबल हो गया। क्लियर है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगली बात, प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। छोटे छोटे हेडर्स हैं, बड़े काम के दो ही हेडर्स, मैं अभी ये बाकी जरा छोटे छोटे इंटेंसिटी जो अंडर द गार्ब ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म, आपने डोमेस्टिक चेक भी लगा के रखने थे जी, सही जी। इन डोमेस्टिक चेक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही पैट्रियट बिल इंट्रोड्यूस हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स में, विद इन यूनाइटेड स्टेट्स भी हम एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी मैटर करती है, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सही है जी। सो ये प्राइवेसी का फैक्टर
इंडिविजुअल्स का वो डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में डिस्टर्ब हुआ, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड था या नहीं था, उसके लिए हमें फिर 9/11 के जो अटैक है वो अटैक हुआ कैसे है उसको देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अमेरिकन की इंडिविजुअल लिबर्टी और प्राइवेसी के तो बहुत बड़े चैंपियन रहे। पहली जो 10 अमेंडमेंट्स हैं बिल ऑफ राइट्स की अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से 8 तो डील इंडिविजुअल लिबर्टी को करती है, पहली 8। तो ये तो इतने बड़े चैंपियन है, तो फिर ये क्या हुआ कि जनाब प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हम अलाउ नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि 9/11 के लिए जो 21 लोग यूनाइटेड स्टेट्स में 4 मुख्तलिफ जहाज हाईजैक कर रहे हैं, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स में बाई जून 2001 आ चुके हुए थे। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने यूनाइटेड स्टेट्स में घूम फिर रहे हैं, समझ आ रही है जी। और ऐसा भी नहीं है कि ये खामोशी से बैठे हुए, ये अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं सारे, सही है जी? इनके नामों से ट्रांजेक्शन हुई हुई है, इनके नामों से जो है वो शॉर्ट डिप्लोमा में इनमें से आधों ने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर दाखिले लिए हुए, एक पूरी क्लीन हिस्ट्री है, अपने जेन्युइन पासपोर्ट्स के साथ ये एंटर हुए। ऐसा भी नहीं है कि जो लांचों में बैठ के यूनाइटेड स्टेट्स में दाखिल हुए। 5 तो लोग, 4 तो आपके लोग, 4 या 5 लोग तो आपके, वो तो जर्मनी में डिप्लोमा कंप्लीट करके एडवांस स्टडीज में एडमिशन लेने आए हुए, समझा रही है जी, पायलट बन रहे हैं ना जी, बोइंग जहाज के पायलट बन रहे। सो ये आपकी सोसाइटी में आए हुए हैं, इनको ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, पैसे आ रहे हैं इनको, ये वो पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल यानी कि क्लीन तरीके से हो रहा है। अगस्त में हाई अलर्ट जारी हो गया, जाहिर है सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स तो चलता है, अगस्त में हाई अलर्ट हो गया पूरे अगस्त में यूनाइटेड स्टेट्स के एयरपोर्ट्स को, 9/11 कमीशन रिपोर्ट कहती है कि सर्वेलेंस में रखा गया, लेकिन जैसे ही उसको लो डाउन किया कि जी अब खतरा टल गया, तो सितंबर में अटैक हो, सही। सो वो जो मोर एंड मोर इंडिविजुअल लिबर्टी है और इंडिविजुअल्स की मूवमेंट है, अगर वो क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, तो आप किसी को सर्वेलेंस नहीं कर सकते। ये जो टेंडेंसी थी अमेरिकन सोसाइटी में, ये डिस्टर्ब हुई। तो इसका जो अमेरिकन जो सोसाइटी है उस पर इसका इम्पैक्ट आया। फिर इसी का फिर एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में जो आपके अलायज हैं, अलायज भी कर लें या ओवरऑल आप कह लें कि वेस्टर्न जो आपकी कंट्रीज हैं, इन तमाम के यहाँ इनकी पॉलिसीज में लाइक इमिग्रेशन, सही है, इमिग्रेशन की पॉलिसीज स्ट्रिक्ट करनी पड़ी तमाम अलायज को, वेस्टर्न कंट्रीज को। अब इशू अमेरिकन का है, इशू अलकायदा के साथ, लेकिन हर जगह पर फिर इसका इम्पैक्ट आना शुरू होना शुरू हो गया, सही। इसी के कॉन्सिक्वेंसेज में ओवरऑल वेस्ट में एक इस्लामोफोबिक टेंडेंसी, ये भी पहले से मौजूद थी लेकिन ये ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई आफ्टर 2001, ये भी इसी कॉन्सिक्वेंसेज में आना शुरू हो गई। सो जो आप टारगेट कर रहे थे वो आपने एड्रेस किया, नो डाउट। कंक्लूजन में जो आप टारगेट कर रहे थे वो आपने एड्रेस किया, आपने रिजीम्स चेंज की, आपने बिन लादन को टारगेट किया, सही। लेकिन आप कंप्लीट टेररिज्म को अबॉलिश नहीं कर सके, बिकॉज एज एन आइडेंटिटी, एज एन आइडियोलॉजी कह रहे हैं आप उसको पैरिश नहीं कर पाए, रादर वो एग्जेसरबेट हो गया, इंटरनेशनलाइज हो गया, सही जी। सो और जिस तरीके से फिर आपने इराक को एग्जिट किया, जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान को एग्जिट किया, वो आइडियोलॉजी फैक्टर नियर फ्यूचर में दोबारा एग्जेसरबेट हो जाएगा, उसके कॉन्टोर्स डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन ये दोबारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ISIS की तरह नहीं है कि बॉम्बिंग की, उनके फाइटर्स को डिस्पर्स कर दिया, खत्म कर दिया, जो आर्म्ड एक स्ट्रगल थी उसको आपने पैरिश कर दिया। तो अब ISIS कोई इमीडिएट पोटेंशियल थ्रेट नहीं है ग्लोबल पीस के लिए, इमीडिएट थ्रेट। लेकिन अलकायदा हर दौर में, हर घंटे में, हर मिनट में ग्लोबल पीस के लिए
खतरा मौजूद है। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी जो नेचर है ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसको आप सही मायनों में जो है वो खत्म नहीं कर सके, उसको टारगेट नहीं कर सके, उसको एड्रेस नहीं कर सके। तो ये जो मिसकंसेप्शन था अलकायदा से रिलेटेड, वो बाद में रिवील हुआ। ये बात समझ आ रही जी? सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में, और इसमें मैं इंटेंशनली मिडिल ईस्ट की तरफ नहीं गया, क्योंकि अभी हमने एक पूरा टॉपिक फेयर करना है यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मिडिल ईस्ट इन 21st century। ये अब इसको यूनाइटेड स्टेट्स एंड मिडिल ईस्ट इन 21st century, ये कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स एंड मिडिल ईस्ट पे सवाल पूछ सकते हैं, सही है जी? वो किसी स्पेसिफिक एरिया में पूछ सकता है। आज हमारे पास अभी है आधा घंटा से थोड़ा सा ज्यादा, आज जितनी इस पे हमने कंप्लीट कर ली इसको आज कर लेंगे, और बाकी फिर नेक्स्ट फ्राइडे को इसी की कॉन्टिन्यूटी जो है वो कर लेंगे। उम्मीद तो बड़ी थी मुझे मैं खत्म कर लूंगा, लेकिन वॉर ऑन टेरर वाला थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगी बात है। मिडिल ईस्ट में की इश्यूज क्या हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनको जरा पहले हाईलाइट कर लेते हैं। एक तरफ तो आपका ईरान इशू ईरान के साथ, सही है जी? एक आपका बड़ा इशू इराक का रहा, ऐसे ही एक आपका इशू सीरिया का रहा, ऐसे ही एक बड़ा इशू आपका फिर अरब इजराइल रिलेशंस का रहा, जो बड़े आपके इश्यूज मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में वो ऑपरेट करते रहे। और एक बड़ा फिर आपका इशू जो डेवलप हुआ वो आईएस, सही? यमन क्राइसिस भी है, लेकिन वहां यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्ट पार्टी नहीं है, डायरेक्ट पार्टी टू दी यमन क्राइसिस नहीं है, लेकिन वो भी एक इशू है, क्योंकि उसमें आप एक पार्टी को किंगडम को सपोर्ट करते रहे। तो अब ये पांच मुख्तलिफ डोमेन्स में जो है वो मिडिल ईस्ट में इनका काम है, लेकिन अब इन पांच मुख्तलिफ डोमेन्स को हमें जिस तरह हमने यूएस बाकी सारी पॉलिसी में उनमें हमने बात की कि भाई अब 21st century में जो थिंकर्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो उस पाए की नहीं है जो 20th century में, वहां से हमने इंट्रोडक्शन जो है बनाया, वही चीज हम यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 सुन लीजिएगा जी, वो भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ पर मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा मसला रहा है, वो मसला रहा है यूनाइटेड नेशन। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जाहिर है हमने बाकी जगहों पर भी 20th century को टच किया, यहां भी टच करेंगे। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा इशू यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि यूएन की तरफ से हमारे प्लान, हमारी प्रपोजल्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट के इशू एड्रेस होने चाहिए। एंड ओइंग टू द इम्पैक्ट ऑफ, या आप कह लें रशिया फैक्टर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, यूनाइटेड स्टेट्स का पर्सपेक्टिव के यूएस लेड प्रपोजल्स उनके मुताबिक मिडिल ईस्ट के सॉल्यूशंस डेवलप होने चाहिए। ये सबसे बड़ी कन्फ्रंटेशन रही है रशिया फैक्टर एंड यूएन फैक्टर वर्सेस यूएस। यूएन फैक्टर को सबसे ज्यादा इशू डोमेस्टिक या रीजनल प्लेयर से नहीं हुआ, बल्कि यूएस लेड प्लान से ही हुआ है। तो ये तो 20th century की पूरी कहानी जो है वो इसी में ही फॉल करती है। हम देखते हैं कि जितने बड़े एग्रीमेंट्स हैं मिडिल ईस्ट की में, चाहे वो कैंप डेविड हो, चाहे वो ओस्लो हो, चाहे वो रिकग्निशन ऑफ इजराइल ऑन द पार्ट ऑफ इजिप्ट हो, रिकग्निशन ऑफ इजराइल ऑन द पार्ट ऑफ जॉर्डन हो, ये सब वो प्रपोजल के जो यूनाइटेड स्टेट्स ने लीड किए, सही है? और इसकी एक क्लासिकल मैनिफेस्टेशन 1992 मैड्रिड कॉन्फ्रेंस। सिंबल्स इंटरनेशनल रिलेशंस में वो बहुत मैटर करते हैं, बहुत मीनिंगफुल है। अब ये 1992 की मैड्रिड कॉन्फ्रेंस अमेरिकन्स ने करवाई टू एड्रेस द इशू ऑफ अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? नहीं करवा पाए, सक्सेसफुल नहीं हुए, कोशिश की, लेकिन
आप गूगल कर लें 1992 की मैड्रिड कॉन्फ्रेंस की ऑफिशियल्स की जो तस्वीर है, आपको पार्टिसिपेंट्स की सारे इकट्ठे होकर फिर तस्वीर खिंचवाते हैं ना जी, सही है, आपको यूएन का रिप्रेजेंटेटिव कॉर्नर में नजर आता है तस्वीर की। यूएन का रिप्रेजेंटेटिव यानी बीच में यूएस का रिप्रेजेंटेटिव और बाकी सारी लीडरशिप मिडिल ईस्ट की, और यूएन का रिप्रेजेंटेटिव एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द पिक्चर में नजर आता है। इट्स जो क्लियर मैनिफेस्टेशन है इस बात कि 20th सेंचुरी में सबसे बड़ा जो इशू रहा है मिडिल ईस्ट में वो रहा कि वेदर इट वुड बी अ यूएस लेड सॉल्यूशन और इट वुड बी अ यूएन लेड सॉल्यूशन। यूएस क्यों? बिकॉज ऑफ रशिया फैक्टर, कि अगर हम नहीं आएंगे बीच में तो रशियंस आ जाएंगे, ठीक है, और हुआ भी है, रशियंस को सॉफ्ट कॉर्नर मिलता रहा है, जमाल अब्दुल नासिर की सूरत में मिला, सही है, बशरुल असद, सॉरी हाफिजुल असद की सूरत में मिला रीजन में, सही है जी, रीजन के कॉर्नर में जो है वो कदाफी की सूरत में मिला। तो अमेरिकन के कंसर्न भी जेन्युइन है, जायज है 20th सेंचुरी कि हमें अपना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना। अब ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये नहीं, हम तो एक कॉन्टेक्स्ट 20th सेंचुरी का डेवलप करवा रहे हैं कि इशू क्या था, कि मिडिल ईस्ट के इतने वेरिएशंस, यहां पर भी इशू अमेरिकन को फेस करना पड़ा, इराक में इनिशियली सदाम साथ था, बाद में इराक में भी इशू फेस करना पड़ा, सही है, सीरिया में भी इशू फेस करने पड़े, अरब इजराइल ओवरऑल ISIS 20, ये हर जगह पर आपको इशू फेस करने पड़े। तो इनको आप फिर हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी जल्दी इनको देख लें, लेकिन एक ब्रीफ स्ट्रक्चर जो है वो पहले हर जगह पे आपको यही नजर आएगा, हर इशू में, कोई हिस्टोरिसाइज तो हमने नहीं करना, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हर इशू को हिस्टोरिसाइज करें और उसकी पूरी हिस्ट्री डिटेल में, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में आना, जो इस वक्त डायनामिक्स है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसमें इस रीजन में अगर कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है तो वो अरब इजराइल्स की ही, क्योंकि पिछले पेपर में उसने नहीं पूछा रिकग्निशन फैक्टर और फ्यूचर क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। बाकी इश्यूज एज सच, हाँ ईरान का इशू पिछले पेपर के लिहाज से इशू था कि विड्रॉल हो गया, अमेरिकन ने विड्रॉल कर लिया एग्रीमेंट में से जो 2015 का था, तो इशू बनता गया, तो मैं भी पूछ लेता वो, लेकिन बाकी इंटेंसिटीज अब लो डाउन हो गई, ये एक इंपॉर्टेंट डोमेन है, लेकिन वो ओवरऑल भी पूछ सकता है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, सही है। तो इनको फिर अब बारी बारी थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा नहीं क्योंकि इतना तो टाइम नहीं होगा, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा इनको देखना जो जरूरी है। तो लार्ज कैनवस में अगर हम डिवाइड करके देखें तो पहले हम ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, ईरान के साथ इशू क्या, 21st सेंचुरी में, हम पीछे हिस्टोरिसाइज नहीं कर रहे थे, ईरान के साथ इशू क्या, ईरान के साथ इशू जो पहला बड़ा आपका बना डेवलप हुआ दैट वाज ईरानियन न्यूक्लियर ऑप्शन, ऐसे ही न्यूक्लियर ऑप्शन को टैकल करने के लिए जो रिजीम ऑपरेट कर रही है इन इसमें यूनाइटेड स्टेट्स में 2008 से 2016 में ही ज्यादा डायलॉग का एनवायरमेंट क्रिएट हुआ। However, Americans take up कर गए थे इस issue को 2004 से लेके 2008 तक 10 nuclear related sanctions भी UN के forum से manage की pass करवाई इन्होंने against ईरान, और इसी को कहा जाता है कि इसकी वजह से ही, और आखिरी जो sanctions थी वो Iranian banks पे थी कि जहां जहां Iranian bank है उसके assets freeze हो जाएंगे, उसके साथ कोई जो है वो transactions नहीं होगी, जिसकी वजह से Iranian भी compel हुए कि ठीक है हमें डायलॉग करना चाहिए। सो डायलॉग का फेज स्टार्ट हुआ, डायलॉग के फेज में ज़ाहिर है दो बड़ी कंट्रीज जिनका हिस्टोरिकली एक मिसट्रस्ट डेवलप है, तो जनाब फिर P5+1 जो है इसकी हमें जो है वो नजर आती है, P5 यानी यूएन के 5 वीटो पावर्स प्लस वन मतलब जर्मनी, इसको कई किताबों में E3+3 भी लिखा हुआ, E3+3 के साथ जो E3+3 है इसको जो ज्यादा लिखते हैं हाईलाइट करते हैं वो कहते हैं नहीं ये ईरान और यूएस का डायरेक्ट डायलॉग नहीं शुरू हुआ, ये पहले यूके फ्रांस एंड जर्मनी ने डायलॉग शुरू किया, यूरोप के 3 कंट्रीज इन्होंने पहले 3 कंट्रीज ने डायलॉग स्टार्ट किया और बाद में +3 यूएस रशिया चाइना ने ज्वाइन किया, सही। तो ये बुनियादी फर्क, लेकिन हम जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट में P5+1 ही लिखी जाती, लेकिन जो असल चीज है वो E3+3 है। बात एक या कान को एक तरह से पकड़ना, लेकिन ये अगर आप मेंशन करेंगे, अगर इस तरह का कोई सवाल या इंटरव्यू में आप मेंशन करेंगे वो ज्यादा
बेहतर जो है वो कॉन्टेक्स्ट है। एनीवेज ये डायलॉग इंटरिम डायलॉग जनाब 2013 में डील हुई, इंटरिम डील थी, इंटरिम डील में 6 महीने की डील थी, ये 6 महीने में हम एक परमानेंट डील करेंगे, लेकिन ये परमानेंट डील फिर हुई 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बेसिक फैक्ट्स। 2013 की डील पे सबसे ज्यादा एतराज किया इसराइल ने और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। 2015 की डील पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने एतराज नहीं किया, इसराइल ने एतराज किया। किंगडम का एतराज यहाँ था कि 2013 की जो इंटरिम डील है उस पे कि भाई जो भी फाइनल डील करनी है वो खुले आम खुली डील ना रखो, उसको कन्फाइंड करो एक खास गिवन टाइम तक ताकि उसके बाद रीइवैल्यूएट किया जा सके। इसराइल तो इसको समझता ही हिस्टोरिकल एरर था इसराइल के ख्याल से कि ये डील ही प्रॉब्लमेटिक है, इनका न्यूक्लियर ऑप्शन ही वंस फॉर ऑल खत्म होना। एनीवेज डील होगी, ईरानियंस भी मान गए, अमेरिकन भी मान गए, $100 बिलियन जो इनका एसेट फ्रीज था वो भी इनको स्लोली एंड ग्रेजुअली वापस मिलेगा, ये अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट भी जो है वो लो डाउन करेंगे, 5% एनपीटी का सिग्नेटरी कर सकता है, ईरानियंस प्रॉमिस कि हम 3.67 से भी नीचे रहेंगे, अच्छी बात जबरदस्त चीज है। हाउएवर अमेरिकन की ये डील ईरानियंस की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। क्रिटिक्स ये समझते हैं, अब ये ना ये हम फैक्ट दिया और फैक्ट के साथ ही हम उसके एनालिसिस कर, सही जी, यही बेहतर तरतीब है ताकि एक सिमेट्री चलती रहे, आपकी कनेक्टिविटी चलती रहती। ये ईरानियंस की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। रीजन सो जो क्रिटिक करते हैं और क्रिटिक करने वालों में ट्रंप भी शामिल थे इस डील को, कि ईरानियंस तो कभी न्यूक्लियर बम बनाना ही नहीं चाहते। इस डील के जरिए उन्होंने यूएन की सैंक्शंस अपनी खत्म करवाई, सही है जी। इस डील के जरिए उन्होंने अपना $100 बिलियन जो मुख्तलिफ माद में फ्रीज हुआ हुआ था वो ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली वापस लिया, समझ आ रही है जी। सो बम बनाना होता तो बहुत पहले बना देते, और अगर रियल सिक्योरिटी कंसर्न होता तो वो कभी आपके साथ डील ही ना करते। नॉर्थ कोरियन ने भी तो विड्रॉ कर दिया था ना जी एनपीटी से 2003 में, और 2006 में बम बना लिया, तो ये भी विड्रॉ कर जाते ना, इन्होंने एनपीटी से विड्रॉ किया। ये ईरानियंस की स्ट्रेटजी थी कि हम अपने पैसे भी वापस लें, न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस भी खत्म करें, और सबसे बड़ी कि हम मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस डेवलप करें। सो जो क्रिटिक्स हैं वो यही देखते हैं कि हम ईरानियन इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट 2013 के बाद बढ़ा, 2013 के बाद ही सीरिया का क्राइसिस जो कि एक कंट्री का क्राइसिस था उसमें सेक्टेरियन टेंडेंसी आना शुरू हुई, 2013 के बाद ही यमन में जो दो ग्रुप्स की लड़ाई थी वो सेक्टेरियन रंग इख्तियार कर दी, सेक्टेरियन रंग इख्तियार की तो हर जगह पर फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी आया। तो ईरान को रीजन में पावर बनाने की जो सबसे बड़ी गलती वो अमेरिकन से और बाकी कंट्री से हुई है बाय साइनिंग एग्रीमेंट्स विद ईरान। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ये हुआ है कि किसी भी कंट्री के साथ 167 पेजेस का डील साइन हुई है, बड़े कंट्रीज ने एक छोटे कंट्री के साथ डील की, समझ आ रही जी। यानी जो आपकी एग्रीमेंट्स टर्की उसके साथ जापान के साथ हुए आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बड़ी कंट्रीज के, उसके बाद जर्मनी के साथ तो एग्रीमेंट ही नहीं ना हो सका, जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, कोल्ड वॉर का हब बन गया। तो जो जापान के साथ आपके एग्रीमेंट्स हुए उसके बाद अगर कोई बड़ी सिग्निफिकेंस है कि बड़ी पावर्स एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए किसी एक स्टेट के साथ एग्रीमेंट करने, तो वो यूएस ईरान डील जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यही वो प्रेटेक्स्ट है कि जिसमें फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस डील से विड्रॉ करती है। अब उस विड्रॉल का मकसद ये नहीं है कि हम ईरान पे अटैक कर दें, वो है कि जनाब री डील की जाए। ये डील कंक्लूसिव डील नहीं थी, इसको रीडील की जाए। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि 2013 से लेके 2018 तक जब तक आप इसमें मौजूद रहे 18 तक इस डील में, तो इस पूरे फेज में यूएस इजराइल रिलेशंस बुरी तरह हैम्पर हुए, सही है जी। इवन 2016 के इलेक्शन में हर ये तो अब सेटल फैक्ट है कि जूश इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट और जूश फैक्टर अमेरिकन इलेक्शन में रोल प्ले करता है। तो 2016 में हम देखते हैं कि जनाब जूश फैक्टर वो अलाइंड किया है एक ऐसे कैंडिडेट के साथ जिसका कोई पब्लिक ऑफिस का एक्सपीरियंस
नहीं था, क्योंकि जो पब्लिक ऑफिस एक्सपीरियंस के होल्डर हैं वो सब चलते ही अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की लाइन पे, और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट तो इसराइल के इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं चल रही। 2013 का एग्रीमेंट कर दिया, 15 का एग्रीमेंट कर दिया ईरान के साथ, तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी अमेरिकन को इसका कॉन्सिक्वेंस उठाना पड़ा। सही है, यही वजह है कि जो फिर नया प्रेसिडेंट आ रहा है वो 2018 से 20 तक इसराइल के साथ अपने डिफरेंसेस, अमेरिकन डिफरेंसेस को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है, और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को और इसराइल के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। सही है जी। तो जो इसको क्रिटिक करते हैं फिर वो देखते हैं कि ये अमेरिकन की बहुत फ्लॉड पॉलिसी। सही, अब इसी को दूसरे एंगल से भी देखते हैं कि जनाब मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो इसके आर्किटेक्ट्स थे इस डील के, कि ईरान के साथ डील करो, किंगडम भी सिक्योरिटी वल्नरेबल होगी, इजराइल की भी सिक्योरिटी वल्नरेबल होगी, अदर अलायंस हमारे उनकी भी सिक्योरिटी वल्नरेबल होगी, ईरान अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करेगा, रिजल्टेंटली इन सब ने हमारे साथ फिर डिफेंस ट्रेड, डिफेंस आर्म्स ट्रेड आप कह लें उसमें ये एंगेज होंगे। सही, तो हमारी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम होगी, और हमारी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हम हथियार बेचेंगे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पर। ये सबसे बड़ा एक्विजिशन ये आता था कि इस डील में जो है वो मकसद अमेरिकन का ये है कि ऑलरेडी अपने अलायज को कि जो आपके साथ ज्यादा एसोसिएट नहीं हो रहे 2008 से 13 में, तो उनका सिक्योरिटी डायलेमा बनाओ ताकि वो आपसे मैक्सिमम हथियार खरीदे। समझ आ रही थी? तो ये एक पर्पज है, जो कि ये पर्पज ज्यादा फुलफिल नहीं हो सका, गिवन द फैक्ट कि ईरान ये इंटेंशन नहीं थी कि ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी प्रॉक्सीज स्टार्ट करते, जो कि ईरान ने 13 के बाद खुलेआम करना शुरू की। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इराक में भी लड़ते रहे, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड सीरिया में भी लड़ते रहे। समझ आ रही थी? सो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा हो सकता। सो ये भी एक जो है वो मतलब कहने का, मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, बाकी सारे आस्पेक्ट्स को भी देखना है, मतलब कहने का कि जो हमने वो ग्रैंड आर्गुमेंट डेवलप किया कि भाई 21st सेंचुरी में अमेरिकन पॉलिसीज लार्जली वो फ्लॉप हुई है, उसकी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन US ईरान डील का भी मिडिल ईस्ट में है। इंस्टेड ऑफ दिस कि ईरान एक नॉर्मल प्लेयर के तौर पे मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करता, ईरान का इन्फ्लुएंस इस डील की वजह से ज्यादा हो गया। एक तो ये जो है वो एस्पेक्ट आ गया ईरान के कॉन्टेक्स्ट। दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ आपके पास आ गया इराक। हम अगेन 20th सेंचुरी में नहीं जा रहे, 21st सेंचुरी में बात कर रहे हैं। इराक 21st सेंचुरी में वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में आपका सेकेंड टारगेट रहा, आप इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, जो आपको जो है वो रॉन्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती रही, जो आपको थोड़ी देर पहले भी बताया पिछले टॉपिक में, तो उससे जनाब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हमने उतरना है, और 2003 में आप इराक में इन्वेड हो। ठीक है जी, 2010 में आपने इराक से विड्रॉल कर दिया, 2011 में कंप्लीट विड्रॉल आपका हो गया। ठीक है जी, हाँ टास्क फोर्स काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड टास्क फोर्स, में ज्यादा नहीं 6600 के करीब ट्रुप्स हैं वो ऑपरेट कर रही है, लेकिन वो ऑपरेट जो है वो इराक की हुकूमत के खिलाफ या बागियों के खिलाफ नहीं, वो टेररिज्म के खिलाफ जो बेअक्वक्ति ऑपरेट करते हैं ग्रैंड रीजन वो मौजूद। तो 11 में आपका एग्जिट हो गया, ये बेसिक फैक्ट हो गए। इराक के कॉन्टेक्स्ट में जब हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं तो सबसे बड़ा इशू जो है वो फिर लेजिटिमेसी ऑफ दिस वॉर, इराक वॉर। ये एक ऐसा इशू है कि नियरली 18 इयर्स हो चुके हूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लॉट है ऑन द इमेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सही जी, वो कैसे है? ये रिपीटेडली इंटरनेशनल रिलेशंस में भी सवाल रिपीट हुआ, वो आई लॉ के से भी रिलेटेड जो पेपर है मे बी उसमें भी आ जाए। ये लेजिटिमेसी, ये बहुत जरूरी है इसको जो है वो समझना। इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में
अगर आप एक स्टेट ये बी है, ये स्टेट ए है, स्टेट ए किसी भी तरह की इंटरवेंशन नहीं कर सकती स्टेट बी में, करेगी ये इलीगल है पूरा, यानी कि यूएन का चार्टर, यूएन के बनने के बाद जितनी प्रोविजंस हैं वो इंटरवेंशन किसी भी किस्म की एक स्टेट की दूसरी स्टेट में उसको इलीगल समझते हैं, सही है? लेकिन अगर स्टेट बी की तरफ से कोई अटैक स्टेट ए पे हो गया है जिसको रिस्पॉन्ड किया स्टेट ए ने, तो इसको कह देंगे फिर सेल्फ डिफेंस, ऐसे ही ये इंटरनेशनल लॉ की इंटरवेंशन का जो आइडिया उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो सेल्फ डिफेंस में स्टेट ए ने ऑपरेट किया ताकि उस अटैक को न्यूट्रलाइज किया, सही है जी, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस भी जस्टिफाइड नहीं है अनलेस एंड अंटिल स्टेट ए इसको रिपोर्ट नहीं करती टू सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का पता है, सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की 5 परमानेंट वीटो मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट, ठीक है जी, यहां उसको रिपोर्ट करना है कि जनाब ये स्टेट बी ने हमारे पे अटैक किया था, हमने फिर सेल्फ डिफेंस में ये ऑप्शन लिया, और वहां से केस को टेकअप कर लेगी सिक्योरिटी काउंसिल, आपका बीइंग अ स्टेट ए काम खत्म हो गया, क्लियर है जी। इसके अलावा किसी भी किस्म की इंटरवेंशन, यानी कि स्टेट बी में ह्यूमन राइट्स की अब्यूज हो रही है और स्टेट ए कहे कि मैं जा रही हूं जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने, नहीं जा सकती, इलीगल है जब तक यूएन के फोरम से अप्रूवल नहीं होगा, सही। स्टेट ए को लगता है कि स्टेट बी में ये स्टेट सी है और ये स्टेट सी स्टेट बी की मदद से अपनी फौजें स्टेट बी में ले आएगी और यहां से मेरे पे अटैक हो सकता है या मेरे नेवल ब्लॉकेट हो सकते हैं या मेरी ट्रेड डिस्टर्ब हो सकती है, तो इससे पहले कि स्टेट सी यहां आए मैं आ जाऊं, नहीं कर सकती स्टेट ए, ये भी इलीगल है, सही। स्टेट बी स्टेट ए का अलाय पार्टनर है सपोज, और स्टेट बी को खतरा है स्टेट सी से, ठीक है जी, तो स्टेट ए यूनिलैटरली एक्ट करते हुए स्टेट बी में फौजी ले आए के जनाब, ये इंटरवेंशन है, इंटरफेरेंस है, और चीज है, इंटरफेरेंस पॉलिसीज की होती है, याद रखिए, आप अक्सर सुनते हैं वर्ड नॉन इंटरफेरेंस, सही, एंड नॉन इंटरवेंशन, बंदा सोचता है एक ही चीज है, एक ही जुमले में लिखा है कि स्टेट ए बिलीव्स इन नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरफेरेंस होती है पॉलिसीज में, इंटरवेंशन होती है बंदे भेज दिए, फौजी भेज दिया, सही है? तो यहाँ इंटरवेंशन की हम इसको लीगैलिटी में इसको देख रहे हैं, इराक वॉर को, सो नहीं कर सकते किसी भी सूरत में किसी भी तरह की इंटरवेंशन स्टेट ए नहीं कर सकती, हाँ कर सकती है सेल्फ डिफेंस में, लेकिन उसको भी इमीडिएटली रिपोर्ट करेगी टू, सही। ये मैं बहुत समराइज करके ये आइडिया दे रहा हूँ, वैसे तो आईआर में या आई लॉ में पूरा इसको प्रोविजंस और आर्टिकल्स के साथ डिटेल में उसका होना, यहाँ करंट अफेयर में हमारे लिए इतना काफी। सो हेंस प्रूव कि इराक वॉर इसको आप लिजिटिमेट वॉर नहीं कह सकते, क्यों, रीजन स्टेट बी यानी इराक से कोई अटैक यूनाइटेड स्टेट्स पर या उसके की एरियाज पर अक्रॉस द ग्लोब नहीं हुआ, ठीक है, जो प्रिटेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया, सही है जी, सेल्फ डिफेंस का, जिसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ठीक है, कि हो तो सकता था तो होने से पहले हमने रोक, सही है जी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये लेजिटिमेट नहीं है। लेकिन अब इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन भी है, हम क्योंकि मुस्लिम्स हैं हम समझते हैं पाकिस्तान में हमने जिन्हें गलत किया, अब इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन भी है। अदर साइड ऑफ द कॉइन ये है कि अमेरिकन ये समझते हैं कि जो पोटेंशियल थ्रेट था वो उन वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन से था जो एक टेररिस्ट ग्रुप पोजेस करता है जिसको सपोर्ट है इराक की लीडरशिप, सही। तो हमने कब कहा कि इराक हमारे पे अटैक करेगा, हमने हमेशा ये कहा है कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक में हैं, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अलकायदा के हैं
और अलकायदा प्लान कर रही है एक बड़ा अटैक करना अमेरिकन बेसिस पर, अमेरिकन मेनलैंड पर, जिसको सपोर्ट इराक की लीडरशिप की तरफ से है। क्यों? क्योंकि ये इसको असिस्ट कर, सही। सो हमारा जो थ्रेट है वो एक नॉन स्टेट एक्टर है जी। आपका पूरे का पूरा इंटरनेशनल लॉ का इंटरवेंशन का जो थीसिस है वो सारा स्टेट टू स्टेट डील करता है। स्टेट ए उस पर स्टेट बी ने अटैक कर दिया, स्टेट बी उस पर स्टेट सी के इश्यूज, वो पूरा इंटरवेंशन का थीसिस आपका वो डील करता है स्टेट टू स्टेट का। समझ आ रही है जी? तो आप हमारे एक्ट को सेल्फ डिफेंस भी नहीं समझते, यूएन में भी नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि जी स्टेट बी की तरफ से जो बाय द बुक इंटरवेंशन का थीसिस कहता है कि जी स्टेट बी की तरफ से कोई अटैक होगा तो उसके रिस्पांस में स्टेट ए जो अटैक यानी उसको काउंटर करेगी वो कहलाएगा सेल्फ डिफेंस। तो अटैक तो हुआ को नहीं। अब क्या नॉन स्टेट एक्टर पहले बता के अटैक करेगा? पहले वो अटैक करे, हम उसका इंतजार करें और उसके बाद हम फिर रिटेलिएट करें। यही काम तो अफगानिस्तान के केस में हो गया, अलकायदा ने कर दिया, तो हम क्यों ये इंतजार करें? सो हेंस प्रूव कि इंटरनेशनल लॉ की लिमिटेशन है इंटरनेशनल। अब ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव है, अमेरिकन लॉ को रीइंटरप्रेट करने, सॉरी इसको इंटरनेशनल लॉ को पर्टेनिंग टू इंटरवेंशन रीइंटरप्रेट करने की जरूरत है कि मेयरली स्टेट के साथ ही जुड़ा हुआ, सही है जी। तो हमारा पोटेंशियल थ्रेट तो नॉन स्टेट एक्टर था, सही। सो हम ये नहीं कहते कि हमारा लीगल है, या हम इस डिबेट में भी नहीं जाते कि हमारी इंटरवेंशन इलीगल है। हमारी इंटरवेंशन इलीगल नहीं है, हमारी इंटरवेंशन लीगल आपको इसलिए नहीं लगती क्योंकि आपका इंटरनेशनल लॉ की लिमिटेशन। तो इंटरनेशनल लॉ को इस इंटरवेंशन के थीसिस में इस पे इसको रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए। ये पर्सपेक्टिव समझ आया जी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारे यहाँ जब हम लिखते हैं या बात करते हैं, उन्होंने जो नहीं गलत किया गलत किया गलत किया, वो अपने आपको बड़ा अपने आपको वो महदूद कर लेते हैं। ये चीज ज़हन में रखना जरूरी है कि इन करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो लीगैलिटी ऑफ द इशू है, जिस तरह हमने अफगान तालिबान के साथ एग्रीमेंट में भी देखा, वो लीगैलिटी ऑफ द इशूज अगर आपकी क्लियर नहीं है तो फिर आपके लिए जो है वो इशू बन सकता है। अच्छा जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं अगले फ्राइडे में जो रिमेनिंग इसके पार्ट हैं, फिर थोड़ी सी जो रह गई वो मैं अगले वीक तक क्या करने हैं, मैं कल या परसों में ही खुद ही रात के वक्त लेक्चर इसका रिकॉर्ड करा के तो उसको यूट्यूब पे तो ये सारे बाय द फ्राइडे अपलोड हो जाएंगे। अनाउंसमेंट है जी, मेरा करंट अफेयर के सेशन के रेगुलर सेशन में अब कोई जगह नहीं है। छोटा सा मेरा घर है, उसमें क्लासरूम में मेरे 30-35 बच्चे एनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी 3 सितंबर वाले, तो कोई रेगुलर स्टूडेंट जो है वो उसकी स्पेस नहीं है। जिसने भी अगर ज्वाइन करना है तो वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है। रेगुलर ब्राय मेहरबानी कोई बच्चा फीस जमा ना कराए, अब स्पेस ही कोई नहीं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ जी, और थैंक यू वेरी मच।